एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई में 5 दिसंबर को कमसा स्टील कार्यालय से हुई 9,83,000 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कमसा स्टील के कर्मचारी की मिलीभगत से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 78,000 रुपए, एक स्कूटी, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें कुछ अपराधी फरार है। पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। राकेश बहादुर पकड़ में आया और राकेश बहादुर के पास से एक स्कूटी और लगभग 48,000 रुपये रिकवर हुए जो लूट से यूज़ किए थे उन्होंने। राकेश बहादुर ने बताया कि राकेश बहादुर क्योंकि पहले भी जेल गया हुआ है और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार उसको नज़र में रखा जाता है। राकेश बहादुर को 1,10,000 मिले थे। स्कूटी को अपने जीजा के नाम पर खरीदा, प्रीतपाल सिंह के नाम पर, पूरी जानकारी में। अभी तक इसमें 3 गिरफ्तारी हुई है, राकेश बहादुर, प्रीतपाल सिंह और अभिषेक खुरदरा। अन्य बिंदुओं पर अभी अनुसंधान जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।